Hey guys. कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया? मेरे को पांच ऐसे आए हैं, सिर्फ सात में से पांच ऐसे आए हैं। बाकी लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं, मुझे वजह बचा बताएं। ठीक है, प्लीज एवरीबॉडी, जय हिंद जय हिंद। चलो सबसे पहले कल का फीडबैक दूंगा, और 5 बजे से पहले भेजो, क्योंकि देखो मैं चेक भी करता हूँ एक एक शब्द आप लोगों के। आज मैंने क्या कर रखा है, सबसे पहले सुमित के ऐसे निकालता हूं मैं, आप यहां पर ध्यान दो। आपको डॉक्यूमेंट के अंदर ही फीडबैक मिलेगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट के अंदर ही जहां जहां दिक्कतें होंगी मैं वहीं पर आपको फीडबैक दे दूंगा, ठीक है? समझे बच्चे? हाँ, तो प्लीज आप लोग, सब लोग जिन्होंने मुझे ऐसे नहीं भेजे हैं, प्लीज टाइम पर ऐसे भेजो। पर गर्मी होने लगी है आपके वहां, आज जैकेट नहीं पहना है। आज जैकेट ये रहा ना, तो आज थोड़ा सा शिवम आपने नहीं भेजा बच्चे, आपने भेजा था क्या टेलीग्राम में? मुझे तो नहीं मिला भाई, मुझे तो नहीं मिला टेलीग्राम में आपका वाला। शिवम शिवम नहीं, Web 3.0 का ही मिल रहा है। कौन सा भेजना था लेकिन, अरे शिट, आपका वाला मैं मिस कर गया। चलो मैं आपका भी अभी दिखा दूंगा, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं लास्ट में आपका कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना? लास्ट में आपका भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो मैंने इंपॉर्टेंट सारे मार्क कर रखे हैं, जहां जहां पर मैं भूल भी जाता हूँ ना। कई बार क्या होता है कि जिस टाइम पर मैं पीसफुल माइंड से चेक करता हूँ तो उस टाइम पर काफी चीजें निकलती है, और अभी यहाँ पर खड़े होकर के थोड़ा जल्दबाजी भी होती है, क्योंकि मेरे माइंड में टॉपिक भी होता है, टॉपिक भी पढ़ाना है, तो इसलिए आधा टाइम फीडबैक और आधा टाइम टॉपिक को रखेंगे हम, ठीक है? तो पढ़ूंगा मैं सारा, लेकिन मैं देखते रहना आप लोग। मयंक बच्चे, आपने ऐसे नहीं सबमिट करा 2 दिन से, कोई दिक्कत हो रही है क्या? दिक्कत तो नहीं हो रही सर, आराम से चेक करके कल दे देंगे, दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं देखो देखो वही मैं कह रहा हूँ ना, देखो मैं हमेशा हर दिन बोलता हूँ कि मेरा फोकस आप क्या लिख रहे हो उसको चेक करना बहुत जरूरी है। वो है सब, मैं मेरा मतलब एम इस क्लास का वही रहता है कि मैं एटलीस्ट 2 बार आपका चेक करूं, एक आपके सामने करूं और एक मैं खुद से भी करूं। और आपको लग भी रहा होगा कि मैं, देखो मैं आपकी कमियां निकाल रहा हूं। मैं बच्चे, आप अपना बताओ क्या हो गया है। चलो ये सुमित का है, रेवोल्यूशन। सो बिल गेट्स को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट से
we are changing the world with technology, and as we also seeing the world is going towards, देखो आपकी राइटिंग में थोड़ा सुधार आ गया है, सफाई आ गई है ना. सो थर्ड जेंडर, तो बिल गेट्स का कोट, एक टेक्नोलॉजी एस्पिरेंट जाइंट है ना बिल गेट्स, तो ये आपने जो बंदे को कोट किया है ये अच्छा किया है, और लोग भी ध्यान दें. और यहाँ से आप एक चीज सीखोगे, क्या चीज सीखोगे, नोट कर लो, नोट करो, कॉपी पेन रखते हो साथ में, बताइए. तो नोट करो कि ट्राई टू यूज कोट रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक और पर्सनालिटी रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक. उस टॉपिक से रिलेटेड कोई आदमी आपको फेमस दिखता है, एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन का, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में टेक्नोलॉजी का, सोशल रिफॉर्म के सेक्टर में सोशल रिफॉर्म का, तो कोशिश करना उसको ही इस्तेमाल करें. क्योंकि आप देखो ना, वो याद है लिंक भी देना है हमने इंट्रो में, खाली कोड छोड़ करके तो रखेंगे नहीं, उस कोड को लिंक भी करना है टॉपिक के साथ ना, तो उसमें आपको बहुत नेचुरल फ्लो मिल जाएगा. सर इस पॉइंट को लिखो, ठीक है, ये सब पॉइंट्स लिखते रहिएगा. और सर मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक दिन आपसे ये भी मांगूंगा कि व्हाट डिड यू लर्न टू राइट पावरफुल इंपैक्ट, वो 5-10 बातें बताइए जो आप पावरफुल इंपैक्ट लिखते वक्त ध्यान दोगे. ऐसे भी मैं आपसे लिखवाऊंगा कंक्लूजन लिखने के लिए क्या चाहिए हमको, तो ये ध्यान दीजिएगा. जो आप मेरे साथ सीखोगे आपको उसको क्रॉस चेक भी करना है. और मैसेज नहीं आया मयंक, आपको आवाज आ रही है, मुझे बताओ आपकी ऐसे क्यों नहीं आ रही. सो Going towards, so we have moved from decentralized protocol. ठीक है, web 1.1 decentralized था, फिर centralized जो कि monopolistic है, और अब हम फिर confident है कि हम move करेंगे decentralized 3.0. तो intro बहुत लंबा हो गया है, it's a very long intro. Try to cut it off, guys. 40 words is maximum. For some experts, web, तो इस line में आपने कुछ general thoughts लिखे हुए. For some experts, web 3.0 is just a buzzword to get people talking for other. It is a revolution in making, but will it really revolutionize the internet? Well, internet has become essential for many day-to-day countries, so it's hard to believe that we could ever really disconnect and even more. ठीक है, internet की अहमियत आपने बताई है, फिर यहाँ पर आपने web 1.0 के बारे में आपने बताया कि कैसे history, तो ये history वाला line है आपका. Gathering information data of consumer in the 1990s, web 1.0 came up and became popular because first time global network representing the future of digital communication. It's called only web, and companies like Yahoo, Java, and were introduced. Then web 2.0 started. ठीक है, 1.0 कैसे हुआ, फिर web 2.0 कैसे शुरू हुआ, Google, Amazon, here Twitter emerged, and bringing internet by easy to then contact online delivery, the internet most only today social media. Instant website creation, blog, basically ये भी ठीक है. For about the first, ठीक है, ये तो आपने web 1 से 2 तक की journey क्या थी, बिल्कुल ठीक लिखी है. और the first decade of the internet, users could connect and read anything, email, order pizza or buy. देखो exampling मैंने थोड़ा ये लिखा है कि too much of exampling है ना, वो थोड़े से आपने elaboration थोड़े ज़्यादा कर दिए. इस पर आप बच सकते थे कि क्या क्या हो रहा था और फिर क्या जरूरत पड़ी. तो themselves of the region is also called read write web, and also it is participatory centralized. By this, in the intervening years, a monopolization of the internet has taken place with a few IT giants. So web 3.0 is viewed as a harbinger of change, or rather ये आपने ये phrase ठीक use किया, harbinger of change. और अदर रिटर्न एरर वेयर इंटरनेट इज अगेन डिसेंट्रलाइज्ड. तो नीड ऑफ वेब 3.0 आपने यहां पर मेंशन किया, वो अच्छा है. अच्छा एक चीज है कि देखो आप ना, आपके अंदर एक चीज है एक्सप्रेसिव पावर, मैं बता रहा हूं, ठीक है, आज ध्यान देना. एक्सप्रेसिव पावर पर मैं आपको थोड़ा फीडबैक दूंगा. आपका एक्सप्रेसिव पावर ठीक है, मतलब ऐसे होता है ना, कोई लोग बचकानी चीज लिखते हैं और कोई लोग टू मच टेक्निकलिटी लिख देते हैं. तो आपका एक्सप्रेसिव पावर एक एवरेज एक्सप्रेसिव पावर है कि मतलब फालतू नहीं ध्यान देना है, ठीक है ना. सो गुड, सो इट हैज नॉट ओनली एडवांटेज बट डिसएडवांटेज आल्सो, लाइक इट इज डिफिकल्ट टू रेगुलेट लीड
difficult to regulate, lead to rise of cyber crimes, misinformation, existing websites will need to upgrade, etc. But it is also true that one of the first countries to support Web 3.0 was India. ठीक है, तो आपका थोड़ा ग्रामर भी ठीक ठाक है, ठीक है, थोड़ा ग्रामर भी ठीक है. On the whole, Web 3.0 is more user-centric. Digital giants would lose their dominance and also bring the prominence of these democratization of internet and revolutionary collaboration transparency. So let's see whether the vision of Web 3.0 can make all this reality. Conclusion average लगा मुझे. Conclusion मुझे average लगा, ठीक है. 7 से 8 number इसमें मिलेंगे. Conclusion average लिखा है. और ध्यान दो, आप मैंने जितनी बातें बताई थी वो सारी इंक्लूड नहीं करी हैं, चीजें मिसिंग है. क्योंकि यहां पर देखो मेरे को ना जो बाइफरकेशन है ऐसे में कि व्हाट इज वेब 2.0, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वेब 3.0, सॉरी हिस्ट्री ऑफ वेब 1.0 से 1.3.0 कैसे आए हम वो लिखा है आपने, बट चैलेंज शब्द बेनिफिट शब्द में और थोड़ा सा आपको चीजें लिखनी है. सर आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, प्लीज कंसिडर मी. अरे बच्चे प्लीज टेक केयर ऑफ, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बस आप ये देखते रहो फिर, है ना, मैं क्या फीडबैक दे रहा हूँ ताकि ये गलतियां आप मत करना. तो 7-8 नंबर मिलेगा बच्चे, इस पर काम और हो सकता है. सूरज, सो 3.0 वाइजली स्टेटेड बाय रॉबर्ट ए Handling, everything is theoretically impossible until it is done. ठीक है, intro okay है. It is also true for web. हाँ, तो ये link हो गया आपका. It's also true for the web and internet. Recently, the discussion on web 3.0 third generation of internet surfaced. ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ. Negatives and positives, come let's explore in detail. So it is अच्छा. मैंने यहाँ बहुत कुछ लिखा है आपके लिए. Web 3.0 is the next generation of internet. ये काटा पिटी देखो कितनी कर रहे हो, है ना, ये काटा पीटी से अवॉइड करने हैं आपको. देखो आप लिखते अच्छा हो लेकिन अपनी आदतों की वजह से मार्क्स जाएंगे आपके. आपका कंटेंट सही होगा, मान लो आपको 8 नंबर मिलने हैं ना, तो कुछ इरिटेशन रीडर को मिलेगी तो वो आपके 1-2 नंबर काट देगा. जैसे ये है, अवॉइड कटिंग एंड ओवर राइटिंग ट्राई करना, ठीक है. कुछ जगह पर जैसे यहाँ वेब 3.0 फुल स्टॉप, वेब 3.0 2.0 कॉमा, ये मतलब वैसे तो सेंटेंस के साथ ही हो रहा है, बट ट्राई करो कि रिपीटिशन ना हो एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड का फुल स्टॉप के बाद भी. यूजर सेंट्रिक है, सो इंटरनेट ऑफ द वेब 3.0, ये आपने डेफिनेशन लिखी है. डेटा नेटवर्क दैट शोस शेयर्स विद एंड टू एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दिस इज न्यू नेटवर्क दैट विल अलाउ पार्टिसिपेंट्स इंटरैक्ट डायरेक्टली विदाउट एनी मीडिएटरी. This technology would work on semantic and understanding basis. Don't use unnecessary punctuation. बच्चे ये बीच-बीच में आपका full stop आ रहा है, पता नहीं क्यों ये क्यों आ रहा है. अगर full stop के बाद फिर नया sentence है तो capital होना चाहिए, और ये line ठीक है but ये नहीं करना है. Then sir देखो इतनी ही छोटे line में आपने 3 paragraph लिख दिए body में. एक para, ये दूसरा para, ये फिर 20-30 शब्द का तीसरा para, फिर ये फिर एक और चौथा para, फिर यहाँ पर देखो एक और para. तो बहुत सारे पैराग्राफिंग अगर आप करोगे तो पता क्या दिक्कत आएगी. ये बेसिक चीजें थी, मैंने इस पर आपको फीडबैक दिया है. अवॉइड लॉट्स ऑफ पैराग्राफिंग इन बॉडी, दिस विल किल योर स्पेस. स्पेस खा जाएगा और आपकी राइटिंग भी देखो बहुत बड़ी बड़ी है. तो 3 पन्नों में आपको ध्यान देना है कि आपका आंसर 300 वर्ड्स बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस पर भी ध्यान देते जाइएगा, है ना. अगर बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं. तो देयर शुड एलिमिनेट मिडलमैन एंड इंटरमीडिएट्स डिपेंडिंग ऑन द क्रिएटर्स एंड आर्टिस्ट कॉर्पोरेशन एंड मीडिया कॉर्पोरेशन टू अवॉइड मोनेटाइजेशन. दिस विल अलाउ इंडिविजुअल्स फ्रॉम स्मॉल यूनिट्स सच एज विलेजेस टू क्रिएट प्रोग्राम्स एंड नेटवर्क्स विल लीड टू इंडिविजुअलिस्टिक एंड रिचर यूजर एक्सपीरियंस मोर एनरिच सिक्योरिटी, ठीक है. फिर इन इंडिया इट वुड कंट्रीब्यूट US $1.1 ट्रिलियन. आप 1.1 ट्रिलियन US करना, मतलब जनरली करेंसी आगे चलो ये चल जाएगा टू द जीडीपी. इंडिया हैज ऑन द लार्जेस्ट यूजर बेस फॉर डिजिटल डेटा. तो इंडिया में क्या स्कोप है वो स्केल पॉइंट आपने ठीक लिखे हुए, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं. बजट आपने मेंशन करा है, ये भी बहुत अच्छा लाइन लगा मुझे. तो फिर तेलंगाना गवर्नमेंट इज सीकिंग स्टूडेंट नियर ब्लॉकचेन, ये मैंने बताया था कि ये भी बहुत अच्छा यूज करा. देयर वुड बी सर्टेन चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग वेब 3.0 इन इंडिया, ठीक है, चैलेंजेस आपने मेंशन करा है.
तो फीचर्स एंड सिचुएशन कभी कभी ना कंबाइंड हो जा रही है, मतलब कभी कभी हम उसकी बेनिफिट्स ऊपर लिख रहे हैं तो बीच में नीचे फिर उसको रिपीट कर दे रहे हैं। वो नेचुरल फ्लो में आता है, पर ट्राई करना कि हो सके तो एक आदत बना देना कि रिपीटेशन ना हो। डीग्लोबलाइजेशन को क्रिएट, क्रिएट की स्पेलिंग सही क्यों नहीं है, ई कहाँ गया, द इंटरमीडिएरी स्लो इज, फिर यहाँ अननेसेसरी पंचुएशन आ गया है, देखो ये फुल स्टॉप लगा है तो कैपिटल आई क्यों नहीं है, इसकी वैसे जरूरत नहीं है, इससे बचो आप दैट इमीडिएटली एट प्रेजेंट में डील में इंफ्रास्ट्रक्चर एशियन कंट्रीज एंड अदर एशियन कंट्रीज इन ड्यू टू व्हिच वी कुड सी एन एनलार्ज्ड फेस ऑफ डिजिटल डिवाइड व्हिच वाज सीन इन कोविड 19 टाइम टाइम्स फुल स्टॉप वेयर इज कैपिटल एल सर पंक्चुएशन एरर। समझ रहे हो आप कहां पर काम करना है, आपने लिख अच्छा रहे हो लेकिन फिर लास्ट में कूड़ा हो जाएगा, मेक यू टू मच ऑफ पैराग्राफिंग, वेब 3.0 ब्रेन ड्रेन सीन टू दुबई एंड अभी देखो लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन इंडियन टेक इनोवेशन बाय इंडिया, फिर यहां देखो इनोवेशन डाला फिर फुल स्टॉप डाल दिया इन इंडिया, फिर वेब 3.8 ये पूरे को एक लाइन में बनाओ भाई, ये फुल स्टॉप। द न्यू वेब 3.0 इज अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंटरनेट व्हिच, फिर यहां फुल स्टॉप डाल दिया, व्हिच सब्स्टिट्यूटिंग मैनकाइंड टू अनदर लेवल फुल स्टॉप, बट दिस कुड लीड टू द देयर विल बी इंप्रॉपर एंड ट्रस्ट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ not much impactful conclusion and a lot of punctuation error. क्या हो रहा है बच्चे, कंटेंट नॉलेज वाइज ऐसे ठीक ठाक है बट सिली मिस्टेक्स, 6 नंबर दूंगा मैं, ठीक है, और पढ़ाने के बाद भी 6 नंबर आएगा तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हरियाणा तो बताओ भाई क्या गड़बड़ हो रही है सूरज, रेहन एज वी कैन सी दैट इन न्यूज फुल स्टॉप, क्यों भाई कॉमा, ये कॉमा है तो ठीक से लिखो, ठीक है, इन्वेस्टर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड हैव पोर्ड at least 88 billion into web 3.0, of these 17 are now unicorns in which 3 headquartered India, let's explore. नहीं बच्चे ये नहीं आया मजा इंट्रो में, बस आप ये बता रहे हो कि कितना पैसा डाला है क्या, वेब 3.0 इज अ बज, मैंने क्या बताया था बज है, कुछ ऐसा लिखो, कुछ ऐसा लिखो पोर्ट लिखो, या ऐसा कुछ लाइन लिख सकते हैं कि रिसेंटली, या ऐसे लिखो कि इंटरनेट इज फेसिंग द बिगेस्ट ट्रांजिशन फेस ऑफ इट्स टाइम वेयर वी आर हेविली यूटिलाइजिंग द वेब 2.0, बट ऑल ऑफ, या ऐसे लिख सकते हो वेयर एज सून एज वी हैव बीन, वी हैव अडैप्टेड टू वेब 2.0, देयर हैज बीन अ बज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वेब 3.0, लेट्स एक्सप्लोर, रिवाइंड करके लिख लेना इसको जिसको अच्छा लगेगा। 3.0 कैन बी अंडरस्टूड एज द फ्यूचरिंग वर्जन ऑफ इंटरनेट व्हिच इज यूजर सेंटरिंग, मीन यूजर हैविंग मोर कंट्रोल चॉइस फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो फीचर्स हो गया दे माइट हैव हैड इन वेरियस प्रीवियस वर्जंस, कॉमा फुल स्टॉप ये क्या हो रहा है पंक्चुएशन, यूजर ड्रिवन इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियंस थॉट एंड आइडियाज इंडिविजुअली एंड यूजर कंट्रोल्ड, ये भी क्या बोल रहा है आप लोगों को, दिस टेक्नोलॉजी इज बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट व्हिच यूजेस टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन व्हिच रियलिटी इंटरनेट ऑफ द थिंग्स रेफर्स टू बिलियन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, ठीक है ये आधा है इनकम्प्लीट है, तो अगर इनकम्प्लीट हो रहा है तो सुबह लिख दो, मॉर्निंग में लिखो, सबसे पहले जो काम आपको करना है अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है तो उठते ही ऐसे लिख के खत्म करो, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू राइट। अच्छा ऐसा है कि क्या मेरी आदत हो रही है कि मैं पंक्चुएशन पर ही ध्यान दे रहा हूं ऐसा नहीं है, देखो मैं छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता रहूंगा, छोटी चीज से ही, देखो लिखना सबको आता है हमें भी पता है, लेकिन मैं आपके अंदर की हर दिन गलतियां निकाल करके आपके माइंड में लिखते वक्त वो सब चीजों को ध्यान में रखना सीखूंगा ताकि एग्जाम में इसका 50% भी आप ठीक कर पाओ, आपका ऐसे सुंदर होगा, है ना। देखो गलतियां कम आएगी, फ्लो अच्छा बनेगा, ये चीजें मायने रखती हैं। सर आज थोड़ा सा तबीयत खराब थी मेरे, सुबह में ज्यादा हो रहा था सुबह से आज थोड़ा, बच्चे तो तबीयत का फुल स्टॉप घुसेड़ने में से क्या लिंक है मैं समझ नहीं पा रहा हूं।
ठीक है सर, सर इसलिए सर कर देते हैं हम, बाकी दिन टाइम में नहीं रहता है। हाँ वो होगा, सी यूपीएससी इज नॉट ओनली एन एग्जाम, यू नो दैट दिस इज अ डेडिकेशन राइट नाउ। कितना आप सोचो, आज से 7-8 साल पहले ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फिर भी उतना बड़ा नहीं था, और फिर भी मैं बताता हूं कि जब 7th पे कमीशन आया ना, उसके बाद सरकारी नौकरियों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, कंपटीशन बढ़ा, डिफिकल्टी बढ़ेगा, है ना। उसके बाद कोविड, ये 2019 में आपको बता रहा हूं, 2019 के बाद हर आदमी अपनी लाइफ में, हर स्टूडेंट एक बार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा ही करेगा, चाहे सीट्स कम हो जाए फिर भी करेंगे लोग। जॉब सिक्योरिटी, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, ट्रस्ट में। इस चीरते हुए कंपटीशन को, वॉल्यूम को कैसे हम कंट्रोल करेंगे? हम कैसे कंट्रोल करोगे? अपने आप को औरों से बेटर करना है। आज इंटरनेट की दुनिया है, लोग रात दिन एक कर दे रहे हैं, है ना जी, लोग रात दिन एक कर देंगे, बता रहा हूं मैं, हम पीछे ना रह जाए। इसलिए हमको खुद मोटिवेटेड होना है, खुद अपना टाइम टेबल बनाना है, किसी का टाइम टेबल आपके लिए काम नहीं आएगा। ठीक है गाइस, सो प्लीज स्टे मोटिवेटेड, स्टे एनर्जेटिक फॉर दिस राइटिंग स्किल क्लास, बिकॉज दिस इज द ओनली हर्डल दैट विल, अगर आपको कोई चीज रोकेगी ना सीएपीएफ में, तो वो यही पेपर रोकेगी, आपको पेपर वन नहीं रोकेगा, यही पेपर रोकेगा, और यही रोकता है, यही मेरिट डिसाइड कर रहा है। और जो इसकी तैयारी करेगा उसका पेपर वन भी अच्छा जाएगा। सो एज वेल कोटेड बाय स्टीफन आर कोवी, टेक्नोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट सर्वेंट बट वर्स्ट वर्स्ट मास्टर, विच शोकेसेस लाइक अदर सिस्टम, टेक्नोलॉजी ऑल्सो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एजेस, बट फॉर द्यूमन, फॉर ह्यूमैनिटी, एड रिसर्च एंड डेवलपर्स ऑलवेज इन्वॉल्व इट्स पॉजिटिव एंड एडवांस वर्जन। वेब 3.0 इज ऑल्सो एडवांस वर्जन ऑफ इंटरनेट, सो बिफोर डिस्कसिंग इट वेरियस एस्पेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो मैंने लिखा है कोट लिंक्ड, वेल डन। ठीक है, इंट्रो बेटर देन अदर वंस, फिलहाल तक के लिए जो मैंने पढ़े हैं, जो मैंने पढ़ा नहीं था, देखो मैंने क्रोनोलॉजी में पढ़ा। सो ये डेफिनेशन हो गई, इट्स एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेट दैट यूजेस फॉर कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी थ्रू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, द इंसेप्शन ऑफ अ टेक्नोलॉजी यूजिंग केप 1990 प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन विद बेटर वेशन हिस्ट्री हो गई, बट अराउंड 2000 न्यू वर्जन ऑफ 2.0 केम इन कम्युनिकेशन सेक्टर फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिविटी। वेरी गुड, यहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं लिखा, दो द हेल्प ऑफ, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड। अच्छा आप क्या कर रहे हो, देखो एक गड़बड़ी कर रहे हो आप, फिर देखो लिखने में गड़बड़ी हो रही है, अब कुछ भूल गए तो आपने ये एरर ये डाला है ना ऑफ। जब हम एरो ऊपर लिखते हैं तो शब्द ऊपर डालते हैं, जब हम एरो नीचे लिखते हैं तो शब्द नीचे लिखते हैं, आपको पता है ये चीज, इस पर काम करना है। ठीक है, इस पर काम करना है, सेम पॉपुलेशन मेटा एक्सेट्रा एज इंटरमीडियरी, बट हाउ डेवलपर वांट टू रिमूव इंटरमीडियरीज इंटरनेट। ठीक है, तो वेब 3.0 कैन बी अंडरस्टैंड, नहीं कैन बी अंडरस्टूड, अंडरस्टूड कीवर्ड ठीक लगो, एज अ वेब फ्रेमवर्क दैट एनश्योर्स, एनश्योर्स में हम क्या खिचड़ी पक रही है सांप जैसा क्या बन रहा है, अ सिक्योर्ड सिक्योर होना चाहिए, चलो सिक्योर भी होगा, पीपल ओरिएंटेड सीमलेस हाईली इंटरकनेक्टेड पीपल ड्रिवन एंड कंट्रोल्ड नेटवर्क, इट इज क्वाइट एंड फंडामेंटली डिफरेंट, इट इज क्वाइट एंड कर दोगे तो क्वाइट का मतलब यहाँ चुप होगा, तो इट इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम कंट्रोल, मतलब सिंपल कर दो इसको, क्वाइट एंड की जरूरत है ही अननेसेसरी है। तो ये फीचर्स आप लिख रहे हो, मैंने देखो ये छांट भी दिया कि किसने क्या क्या इंक्लूड किया, देख रहे हो आप लोग किसने क्या क्या इंक्लूड करा है। देखो मेरे जैसा ही आदमी वहां चेक कर रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, और हो सकता है कि मेरे से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी से चेक करेगा, ट्रस्ट मी भाई, उसको सरकारी नौकरी मिल ही रही है, उसको पैसा मिल ही रहा है, मैंने करना है, मैंने उससे ज्यादा मेहनत लगानी है आपके पेपर चेक करने में, आपको बताइए बात, इसलिए मैं ज्यादा बाल की खाल निकालूंगा। मेरा बताए हुए का 50% भी अचीव कर लिया सर, आप उसको डॉच कर दोगे चेक करने वाले को, ट्रस्ट मी, मैं सही बता रहा हूं। एज वी नो दैट बुद्धा ग्रेटली स्टेटेड दैट इन द वर्ल्ड नथिंग इज स्टैटिक, सो ट्रांसफॉर्मेशन इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड, बट व्हाई ओनली वेब 3.0 इज द नीड ऑफ द आवर। लिंक कर दो,
इससे इस कोड से थोड़ा लिंकिंग किसी के साथ जोड़ दो ना, अलग तरह की जरूरत नहीं है। बिकॉज वेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम आर्टिस्ट एंड डेवलपर रिलेटेड टू द कंटेंट थ्रू यूनिट विद प्लेटफॉर्म सिक्योर्स एंड इंश्योर्स एंड ठीक है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है फिलहाल, बट इफ यू सी वेब 3.1 इन केस ऑफ इंडिया, यहां पर आ गया इंडिया एंगल, ठीक है। फिर से वही मैंने यहां लिख दिया, एरो राइटिंग कर, एरो ऊपर राइटिंग नीचे, अवॉइड सच थिंग्स, जैसा आपने एम्प्लॉयमेंट यहां नीचे घुसेर दिया, एरो ऊपर का लगा दिया, लार्ज पूल ऑफ डेवलपर। एंड क्योंकि देखो ये आप देख रहे हो ये गैप आपका कहाँ लूज, कहाँ लॉस मारेगा बताओ, ये गैप लॉस मारेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सप्लीमेंट्री शीट मिलेगी वहां पर, ये लॉस्ट कहां जाएगा, ठीक है। कौन चेक करते हैं, बस होते हैं कुछ प्रोफेसर लोग जेएनयू वेएनयू से भी जाते हैं। नीड ऑफ द फाइनेंशियल चैलेंजेस, सर्टेन चैलेंजेस, चलिए पकड़ के यहाँ चैलेंजेस की बोली क्लियर क्लिक को थोड़ा सा इमिडिएटली ग्लोबलाइजेशन बिकॉज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा एक चीज है यहाँ पर, एक मैं देख रहा हूं आप फुल स्टॉप डाल करके लिख रहे हो, नॉट द मच सपोर्टेड बाय वर्ल्ड सुपर पावर्स, यहां भी लिखा हुआ है आपने, एक जगह आपने यहां भी लिख दिया है, देखो नॉट नॉट टू नीड सरप्राइज ऑफ, ये क्या फ्रेज जा रहा है मुझे नहीं, नॉट टू सरप्राइज हो सकता है, नॉट टू सरप्राइज द अबव एस्पेक्ट्स ये हो सकता है, यहां आप लिख रहे हो नॉट द मच सपोर्टेड बाय वर्ल्ड सुपर पावर, नॉट मच सपोर्टेड बाय सुपर पावर लिख दो, नॉट द मच क्या होता है, नॉट मच होता है, इट इज नॉट द मच नहीं होगा। सो ये थोड़ा सा फ्रेज गलत यूज कर रहे हो आप, ये आपकी आदत है, इस आदत को सुधार करना है, अगली बार आप जब ये लिखोगे तो ध्यान देना और मैं भी ध्यान दूंगा। सो नॉट द का क्या होता है, बार बार यूज कर रहे हो मत यूज करो, नॉट नॉट मच होता है फ्रेज, नॉट द मच फ्रेज नहीं होता है। ग्रामेटिक, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स प्रॉब्लम्स ऑफ वेरिएंट, सो टू मैच, ये देखो ना सॉल्वर वेरिएंट, ये इसके साथ सो कंजंक्शन काम कर रहा है तो फुल स्टॉप क्यों जोड़ रहा है। ऑल्सो अंडर थ्रू वेरियस इंडिया इंडिया तेलंगाना गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया, हाँ ठीक है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, नॉलेज पे ये सब ने ऑलमोस्ट सेम लिखा है। कंक्लूजन, नॉट मच इम्पैक्टफुल, टू टू सम अप, बेटा पी, बच्चे पी को ऐसे बनाओ ना, पी को देखो ये कैसा पी लग रहा है, ये पढ़ने वाला नहीं समझ पाएगा कई बार। सो वेब 3.0 इज एन एडवांस्ड, आ नहीं आएगा, इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ इंटरनेट, एक सेकंड ना गाइस, entire world communicate version of internet will be secure, to sum up web 3.0 is a advanced version of internet will be revolutionized entire, kya likha hai, will be revolutionized internet, it will revolutionize the internet the communication sector through, to thoda sa yahan par grammar aapki gadbad ho rahi hai, jabki aisa to hai nahi ki aapki grammar galat hoti hogi, है ना, एक सेकेंड ना, हेलो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में कॉल करूंगा, अरे कल जाना है, हाँ म्यूट का ऑप्शन कहाँ है भाई, अच्छा ठीक है, समझ में आया, 7, 6, 7 नंबर बच्चे, शुरुआत अच्छी थी बाद में गड़बड़ हो गया, अब किसका रह गया है, अभिजीत का रह गया है, अभिजीत का ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखो राइटिंग आपकी बहुत बढ़िया है, द प्रीमाइस ऑफ वेब 3.0 वाज पॉइंट बाय गैविस वुड को फाउंडर ऑफ एरिथ्रिन, ही स्टेटेड दैट कंसीडर वेब 3.0 टू बी एन एग्जिट। अच्छा एक बात बताओ, ये आप लोगों को भी पढ़ने में लग रहा होगा, देखो राइटिंग थोड़ा सा फोकस बिल्ड करके रखती है, बट मेनी क्रिटिक्स काटो, बट मेनी क्रिटिक्स एंड टेक स्कॉलर्स आर स्केप्टिकल अबाउट इट, डज नॉट स्केप्टिकल अबाउट इट दैट, यहां पर थोड़ा सा कंजंक्शन मिस हो रहा है, स्केप्टिकल अबाउट इट दैट इट डज नॉट, यस स्केप्टिकल अबाउट इट्स इट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग
अप्रोच ऐसे करके लिख सकते हो। यहाँ थोड़ा सा फ्लो में मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बाकी इंट्रो का जो आपने तरीका लिखा है वो ठीक लिखा है, ठीक है। आपने कोड भी दे दिया और उसको लिंक डाल दिया, फिर आपने डिफाइन किया है वेब 3.0 इज एन इमर्जेंस ऑफ थर्ड फेज ऑफ द इंटरनेट, वेब 1 वाज रेडी एंड सेंट्रलाइज्ड एंड इट वाज इवॉल्व्ड इन द करंट फॉर्म एंड नीड टू राइट पार्टिसिपेटरी सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। राइट ओन वेब इट इज चैलेंजिंग टू डिफाइन बट अ फ्यू प्रिंसिपल्स गाइड इट्स क्रिएशन, फिर काटा पिटी ज्यादा नहीं करनी है, डिसेंट्रलाइज्ड प्रिंसिपल्स फीचर्स नैरेटिव है, टू सिंपलिसिटी इट्स यूजर फ्रेंड सेंट्रिक यूजर ड्रिवन यूजर कंट्रोल वर्जन। हाँ वो अच्छा लिखा हुआ है जो यूजर वाला मैंने बताया था, यूजर्स टेक्नोलॉजीज लाइक ठीक है ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटिंग ग्राफिंग ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स ऑफ द प्लेटफॉर्म ट्रांसफरिंग अवेलेबल इन यूजर लीडिंग टू द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ यूजर लीडिंग टू द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंटरनेट, ये लिखो पूरा करो और ज्यादा बेटर चीज हो जाएगा। बेनिफिट देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स सच एज एलिमिनेशन ऑफ द इंटरमीडिएट ड्रिवन पुअर पीयर टू पीयर which enable peer to peer due to which user will have control over data enhance ठीक है make and run में है, it can benefit local network villages internet despite the numerous benefit it has its challenges in its current form which form such as difficulty to regulate, तो challenges लिखा हुआ है लेकिन कोशिश करो कि challenges को आप अलग से focus करके paragraph change कर सकते हो ताकि challenge word पर reader का ध्यान जाए। एक्सेसिबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी देखो बेनिफिट्स फीचर्स चैलेंज कंपैरिजन हिस्ट्री ऐसा कुछ आपका आना चाहिए कि थोड़ा सा हाईलाइट होकर के होना चाहिए। हाई डिस्पेंसरी और सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ग्लोबल कोलैबोरेशन इन यूएस एंड चाइना आर अनविलिंग टू डिसेंट्रलाइज। अ कॉइन हैज टू साइड्स सिमिलरली वेब 3.0 ऑफ इंडिया हैव पॉजिटिव्स एंड सम नेगेटिव्स। फर्स्टली लेट्स डिस्कस पॉजिटिव्स इट कैन क्रिएट लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉजिटिव्स। So it can create employment opportunities for youth. It has potential to combine trillion in GDP, large and more digital euro adoption rate of asset growing accountability. ठीक है ये तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव तो हो गया है। अब नेगेटिव क्या है, रेट ऑफ डिजिटल अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज डेवलपर कम्युनिटी। ऑन द अदर हैंड चैलेंज बिफोर अ फॉलो रिडक्शन डिफिकल्टी लैक ठीक है ये नेगेटिविटी। टू समराइज विद इट्स अ यंग एंड इवॉल्विंग इकोसिस्टम वी हैव रीच्ड द डाउन ऑफ न्यू एरा वेयर रैपिडली इंक्रीजिंग यूजर्स ऑफ इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इट विद कोलैबोरेशन ऑन डीओए एंड नोडल एजेंसीज ट्रांसफर इमिनेंट टू टेलीफोन यूजर्स व्हिच कैन रेवोल्यूशनाइज नाइज में आई आएगा ए नहीं आएगा रेवोल्यूशनाइज हो गया द वेब टू शो द फ्यूचर ऑफ द वेब looks bright should look bright me looks bright to ye phrase aapne theek use kiya hai it's a young and evolving ecosystem ye mujhe acha laga theek hai content wise main aapko 8 number de dunga lekin choti moti galtiyan aapne bhi kar rakhi hain dekh rahe ho na hai na in cheezon se aapko bhi avoid karna padega uff aaj bahut der ho rahi hai bhai kya kehte ho ये डबल क्रॉस चेक था क्योंकि कई चीजें मैं जब लाइव में भूल जाता हूं तो मैं पहले ही मार्क कर दिया मैंने सो दैट देखो ऐसा नहीं कि मैं रोज गलतियां निकालूंगा है ना। किसी दिन देख रहे हो आपका अच्छा जा रहा है कोई टॉपिक का नॉलेज हो सकता है किसी को अच्छा हो किसी टॉपिक का नॉलेज किसी का अच्छा हो ये भी हो सकता है। कभी कभी अच्छा फ्लो बनेगा कभी नहीं भी बनेगा बट हमने हर आपको एक ओवरऑल पैकेज में तैयार करना है तो अच्छा भी मैं लिख रहा हूं ऐसी बात नहीं है कि मैं सब कमियां ही लिख रहा हूं। एम आई डूइंग दैट अच्छा भी तो लिख ही रहे हैं ना। चलो अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का मेरा टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है फ्रॉम रिकॉग्निशन टू इमेंसिपेशन अ जर्नी ऑफ इंडियाज थर्ड जेंडर। समझ गए क्या टॉपिक है बताओ जल्दी से पहले समझ गए कि क्या टॉपिक है या नहीं समझे क्या टॉपिक है उसके लिए एक कीवर्ड लिखो सबके साथ। व्हाट इज दिस टॉपिक किस पे मैं लिखूंगा एक कीवर्ड लिखो। रिकॉग्निशन पहचान से इमेंसिपेशन आजादी
इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है, बंदिशों से मुक्ति जब आपको मिलती है, पहले आपको पहचानेंगे फिर आपको मुक्त करेंगे, यहां तक की जर्नी इंडिया के थर्ड जेंडर की। सो डोंट यू थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएसआर, और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। इसका इसके लिए बहुत सारा कंटेंट भी है, लेकिन आप देखना कि जो मैंने जिन जहां से ये निकाला है और वहां से भी फिल्टर किया है और किस तरीके से मैंने इसको स्ट्रक्चराइज किया है, आप इतना भी कर दोगे सर मजा आ जाएगा। दिस इज ऑल रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी यानी एलजीबीटी, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं जो मैंने नहीं किया है और वो आप करोगे कि रिसेंटली फलाना, अब ये हर के याद तो नहीं रहते ना, सबके याद में करंट अफेयर रट्टा तो मारता नहीं हूं, लेकिन आपको करने पड़ सकते हैं कुछ चीजें रट्टा। फलाना ट्रांसजेंडर बिकेम द फर्स्ट पायलट, बिकेम द फर्स्ट ट्रेन ड्राइवर, बिकेम द फर्स्ट यू नो ISPCS, ऐसे न्यूज आती है कि नहीं आती बताओ। हाँ ये अगस्त सितंबर का है ये शायद, है ना, मतलब मैं एक एक दिन का तो नहीं ले रहा हूं बट मैं फिल्टर खुद ही कर रहा हूं पुराने टॉपिक्स में से, क्योंकि देखो वो सारा एक एडिटोरियल एक एक दिन का तो नहीं होगा बट मैं मैक्सिमम फिल्टर कर रहा हूं, है ना। हाँ ट्रांसजेंडर जज बनी थी अभी कुछ दिन पहले ही बनी थी, वो मैं नाम भूल गया तो मैंने ज्यादा रिसर्च भी नहीं करा कि मैंने कहा चलो खुद थोड़ा आप लोग भी तो ढूंढोगे ना, है ना। तो इंट्रोडक्शन में आप वहां से शुरू कर सकते हो। दूसरा ट्रांसजेंडर्स को लेकर के नेट पर आपको बतेरे कोट मिलेंगे, तो वो आप इंट्रोड्यूस करके लिख सकते हो। क्या क्या आपको बॉडी पार्ट में लिखना है, एक तो आपको यू विल हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ द थर्ड जेंडर, ठीक है। थर्ड जेंडर कौन है डिफाइन करना ही करना पड़ेगा, डेफिनेशन। राइट्स ऑफ थर्ड जेंडर इन इंडिया, लीगल राइट्स क्या है। हालांकि इससे पहले यहां पर मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ साथ हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स, कुछ हिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको वो फैक्ट्स फिल्टर जो मैंने किए हैं उसको देख करके। देन व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ थर्ड जेंडर, ठीक है। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स ऑफ थर्ड जेंडर, और सरकार ने क्या अच्छा काम किया है, चाहे लीगल हो या फिर पॉलिसी लेवल पर हो या कानून लेवल पर हो, और आगे और क्या मेजर्स लेने की जरूरत है इनके डेवलपमेंट के लिए, और उसके बाद पॉजिटिव कंक्लूजन, ठीक है। तो मैंने बॉडी पार्ट में सारे कीवर्ड नहीं लिखे हुए बट इसके इससे ज्यादा भी यहां पर स्लाइड्स हैं, तो देखते रहिएगा क्या क्या। नाउ इंट्रोडक्शन बहुत तरीके से लिख सकते हो, मैंने रीसेंट इवेंट से स्टार्ट करा है, तो रीसेंट इवेंट हैव ट्रिगर्ड, तो कई बार आप रीसेंट इवेंट के लिए कोई इश्यू लिख रहे हो तो ट्रिगर्ड शब्द का आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे 3.0 के बारे में भी आप लिख सकते हो ना कि विद द ट्वीट ऑफ इलॉन मस्क ऑन वेब 3.0 सेइंग इट्स जस्ट अ बज हैज ट्रिगर्ड अ डिबेट, ऐसे लिख सकते हो। द इनिशिएटिव टू मेन स्ट्रीम द थर्ड जेंडर, थर्ड जेंडर को मुख्य धारा में लाना है एंड एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय देम, बी इट चाहे वह नालसा जजमेंट हो 2014 का, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस एक्ट 1987 में शुरू हुआ था लोक अदालत को लेकर के, बाकी ये नालसा एक्ट क्या है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पता होना चाहिए। नालसा एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके तहत वीकर सेक्शंस को लीगल फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें इन कम्युनिटीज को इनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही है उनको भी 2014 में शामिल किया गया है, ठीक है। सो द राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड देम एज द थर्ड जेंडर, और लैंडमार्क केस ऑफ नवतेज सिंह जौहर का एक लैंडमार्क केस हुआ था which struck down section 377 of IPC, ये भी important है, and decriminalized same-sex relation or transgender person protection act। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने तीन केसेस के हवाले भी
मेंशन कर दिया। देखो इंट्रो में ही मैंने तीन केसेस डाल दिए, नालसा का जजमेंट, नवतेज कौर का जजमेंट, सिंह का जजमेंट और ट्रांसजेंडर एक्ट जो 2019 का है। ये टेक्निकल चीज आपको होनी चाहिए। इन तीनों ने, देखो इन तीनों ने जो थर्ड जेंडर को जो मान्यता दी है स्टेप बाय स्टेप, पहले आइडेंटिफाई करा, नालसा ने आइडेंटिफिकेशन दिया और उसके बाद फिर उनको फ्रीडम भी दी है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है उनकी एक्टिविटीज को। तो यही चीज तो है ट्रिगरिंग। लेट्स सी, अब आते हैं बॉडी पार्ट, ठीक है। डेफिनेशन, हु इज थर्ड जेंडर, राइट्स ऑफ थर्ड जेंडर इन इंडिया, चैलेंजेस ऑफ थर्ड जेंडर, इनिशिएटिव्स फॉर थर्ड जेंडर, मेजर्स दैट गवर्नमेंट कैन टेक विद सर्टेन स्टैटिस्टिक्स। तो यहां पर आप देखो डेफिनेशन ऑफ थर्ड जेंडर, देखिए क्या आपको पता है थर्ड जेंडर का डेफिनेशन कानूनी है। ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019, इस एक्ट को आपने रिमेंबर करना है। ये बहुत जगह पर आप लिख सकते हो, ये बोल रहा है कि ट्रांसजेंडर पर्सन वो होगा जिसका जेंडर अभी जो हमारा जेंडर कॉलम होता है उसमें असाइन ना हो, उससे मैच ना हो, ठीक है। बर्थ के टाइम पर जेंडर लिखा जाता है ना, और आपको पता है कि ट्रांसजेंडर बर्थ के टाइम पर उसको गायब कर देते हैं, पर भाई साहब बर्थ के टाइम पर जिसका जेंडर असाइन ना हो वो ट्रांसजेंडर माना जाएगा। And it includes trans man भी आएगा, trans women भी आएगा, चाहे उसने सर्जरी करी है, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की है, या हार्मोन थेरेपी की है, या लेजर थेरेपी की है, या कोई भी अदर थेरेपी से उसने जेंडर चेंज भी किया होगा, तब भी वो सब ट्रांसजेंडर माने जाएंगे। विद पर्सन ऑफ इंटरसेक्स वेरिएशन, जेंडर क्यूर, जेंडर क्यूर का मतलब वही होता है कि जिसका जेंडर डाउटफुल होता है, ठीक है। Having socio-cultural identity, और जिन लोगों को आज समाज में संस्कृति में किन्नर बोला जा रहा है, हिजड़ा बोला जा रहा है, और लोकल लैंग्वेजेस में अरमानी, जो ये सब इस कानून ने इनको मान्यता दी है सर। तो ये आपके लिए नॉलेज लेवल की चीजें भी आ चुकी हैं। सो थर्ड जेंडर इज नॉट न्यू, ये कोई नई चीज नहीं है सर। आप महाभारत का युद्ध देख लो तो हमारे जो भीष्म पितामह जी तीरों की सैया पे लेटे थे किसकी वजह से, थर्ड जेंडर की वजह से, शिकंडी की वजह से, है ना, है ना सर। सर जून में प्राइड मंथ भी है, इनसे रिलेटेड बिल्कुल है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इसको हम एक दो बार और करेंगे। नाउ लेट्स ट्राई एंड कौन से राइट्स आपको मेंशन कर रहे हैं थर्ड जेंडर के। देखो आज थर्ड जेंडर को हमारे जो नॉर्मल लोगों के फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू इक्वालिटी अंडर लॉ 14 आर्टिकल, कानून के सामने सब बराबर, पब्लिक प्लेसेस में आपको जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन में पहले मेल फीमेल था तो ये भी इंक्लूड हो गया, अपॉर्चुनिटी सरकारी नौकरियों में भी अब आपको आर्टिकल 16 के तहत मान्यता दी जा रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप लोगों को जो बोला नहीं दिया जाता था, एक्सप्रेस नहीं करने दिया जा रहा था, आज आपको छूट दी है, और सबसे बड़ी चीज राइट टू लाइफ आपको दिया जा रहा है, आपकी जिंदगी का जो हर समय खतरा होता था, आप इन पांच फ्रीडम फंडामेंटल राइट में शामिल हो सर। फिर एक योग्यकर्ता प्रिंसिपल है, ये एक ग्लोबल प्रिंसिपल है, योग्यकर्ता प्रिंसिपल जो खास तौर पर दुनिया भर के ट्रांसजेंडरों के लिए कॉमन राइट्स है, जैसे ह्यूमन राइट होता है ना ऐसे ही है, और इसमें इंडिया भी सिग्नेटरी है, ठीक है। सो दिस इज फॉर पीपल विद डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी, 29 प्रिंसिपल्स हैं और 29 सिग्नेटरीज हैं, जिसमें इंडिया भी था और अब तो इसमें और भी देश आ गए हैं, लेकिन हम योग्यकर्ता प्रिंसिपल को जब साइन कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी व्हाई वी आर नॉट इंप्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द थर्ड जेंडर प्रैक्टिकली सर। समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं। तो फंड ये मेंशन करिए। अब आ जाती हैं कि यार इनको चैलेंज क्या है आज के डेट में सर। सोशल एक्सक्लूजन, समाज में बहिष्कार, सिंपल से बोलूं तो, बाकी आप खुद समझ जाना। रेसिज्म का, सेक्सिज्म का, होमोफोबिया, होमोफोबिया का मतलब क्या होता है, होमोफोबिया का मतलब होता है कि सेम जेंडर के प्रति जो लोग अपना इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, लड़का लड़के के प्रति, लड़का लड़की लड़की के प्रति, यानी गे लेस्बियन,
इन लोगों के खिलाफ गुस्सा आना चाहिए। देखो आप दो गे देखोगे तो आपको गुस्सा आएगा, आप मारोगे उनको, लेस्बियन देखेंगे मारोगे उनको। तो इस विचारधारा को होमोफोबिया कहते हैं। सेंसस के हिसाब से देखो टोटल पॉपुलेशन इनकी 5 लाख के आसपास है, तो 5 लाख लोगों को आप आसानी से सोशल एक्सक्लूजन कैसे कर सकते हो यार, गलत बात है। डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस, आपको आंकड़ा दिखाऊंगा चौंक जाओगे, 96% जितने भी ये जो लोग हैं ना, मतलब समझ लो 5 लाख में से 96, 5 ही लाख मान लो, 4% को भी क्या गिनना, सर नौकरी नहीं है इनके लिए कुछ, सर नौकरी नहीं है इनके लिए कुछ, सोचो 96% लोगों को नौकरी नहीं है। अब वो आ जाते हैं आपके घर में, कोई बच्चा होता है, शादी होती है या कुछ होता है, मांगते हैं, चलो अननेसेसरी जो मांगते हैं वो गलत है, लेकिन कुछ मांगते हैं तो हम गुस्सा कर देते हैं। अब वो उसको पे क्या डिबेट करना है, लेकिन वो क्यों मांगते हैं उसके पीछे की वजह ये। एक्सेस टू एजुकेशन, सर सेंसस 2011 का बोल रहा है कि 46% लिटरेसी है इनकी, कंपेयर्ड टू 74% जनरल, यानी कि आधी एजुकेशन है। चलो 46 तो है, कम से कम 10-5% तो नहीं है ना। वो लक्ष्मी वाले देखिए आपने जो क्या फर्राटा इंग्लिश बना बोलती है। होमलेसनेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसफोबिया, एक तो घर से बेघर कर देते हैं क्योंकि माँ बाप को दुख होता है, डर लगता है समाज क्या बोलेगा, बेइज्जती होगी, तो वो दे देते हैं इनकी कम्युनिटी को ही दे देते हैं वो, और फिर ऊपर से ट्रांसफोबिया से झेलना पड़ता है। ट्रांसफोबिया का मतलब ट्रांसजेंडर के प्रति नकारात्मक नेगेटिव फीलिंग्स, जैसा मैंने यहाँ होमोफोबिया, तो होमोफोबिया ट्रांसफोबिया, होमोफोबिया तो सेम जेंडर वालों के प्रति भी होता है, ट्रांसफोबिया में ट्रांसजेंडर वालों के प्रति जो जो फीलिंग्स है। बैरियर टू हेल्थ केयर, हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है सर, ये इलाज भी नहीं करवाते नॉर्मल लोगों के साथ। देखिए 3.1% टू थर्ड जेंडर में एचआईवी की बीमारी इतनी प्रतिशत है। इनके वॉयलेट फंडामेंटल राइट तो हर दिन वॉयलेट होते हैं, 14, 15, 16, 19, 21, और इनको वोटिंग राइट देखो यार, दुनिया में कहते हैं ना कि सर अभी हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म पर किया था ना सर, वो तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इनका भी कोई बंदा वहां जाएगा तो इनके हकों के लिए लड़ेगा, तो कोई इनको पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहा है, रिप्रेजेंटेशन राइट नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, कि यार एंग्लो इंडियन खत्म कर दिए हैं जिनकी पॉपुलेशन इतनी भी नहीं थी, 4-5 लाख, तो एक ट्रांसजेंडर कर दो नॉमिनेट, क्या दिक्कत जा रहा है। हालांकि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी हो सकता है, मतलब दिमाग दे रहा हूँ। तो 14% सिर्फ ट्रांसजेंडर्स में 14% लोगों ही वोट का अधिकार मिल पाया है, सोचो इनको मतलब खत्म है ना, देखो जॉब खत्म है इनके लिए, वोटिंग राइट्स खत्म है इनके लिए, शिक्षक खत्म है इनके लिए। तो मजेदार फैक्ट निकाले हैं ना, बताओ है ना, टू द पॉइंट, इसमें से 4-5 भी याद रह जाए तो क्या बुरा है। ये आप ये जो चीज मैं छांट के दूंगा ना आपको, ये आपको एम्पावर्ड बनाएगा, ये एम्पावर्ड तो यही बनाएगा। अगला, अब सरकार के इनिशिएटिव्स क्या है, अब क्योंकि सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं तो मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा लिया हूं ताकि उसमें से दो चार तो याद आ ही जाए। तो देखो सरकार ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रही है सर, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर इसके लिए अलग से आयोग यानी परिषद बना दिया है, 2019 में बनाया था, और ये एक डेडिकेटेड काउंसिल है जो इनके प्रॉब्लम्स को रिड्रेस करती है, रिड्रेसल फॉर ग्रीवेंसेस। ये समझ तो ये फ्रेज रिड्रेसल फॉर ग्रीवेंसेस का, ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है, ग्रीवेंसेस का आपके तकलीफों को ध्यान देना, यहाँ पर आपका ये जैसे एससी काउंसिल है, एसटी काउंसिल है या कमीशन है उसकी तरह काम करेगा, तो इनके लिए एक अलग से काउंसिल बना दिया है। फिर एक वेब पोर्टल भी बना रखा है, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, आप अपनी शिकायत यहाँ पर भी दर्ज कर सकते हो। फिर कानूनी आपको अधिकार मिल रहा है, ये लैंडमार्क केस था ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सर, इससे बेहतर कानून, इसमें भी सुधार की बात भी चल रही है, तो ये सबसे मेन कानून है जो इनको बजाता है, तो आर्टिकल 14 के दायरे में भी आ गए ना ये। थर्ड जेंडर कॉलम, रेलवे ने 2016 में थर्ड जेंडर, आप ट्रेवल करना चाह रहे हो पहले दो ही जेंडर होते थे, अब तीसरा भी आ गया है, और सर गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म में भी तो थर्ड जेंडर है, देखा है आपने फॉर्म भरते हुए, ध्यान देना। फिर एम्प्लॉयमेंट में मनरेगा की जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर वालों के लिए अलग से योजनाएं हैं, और सर जो आयुष्मान भारत योजना है, पीएमजेड योजना जो मतलब हेल्थ केयर वाली जो मोदी सरकार की योजना है, उसमें भी इनके लिए इंक्लूसिव पैकेज है, इसका लाभ इनको भी मिलेगा सर।
हेल्थ में भी कवर कर रहे हैं। फिर सर सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम मुझे लगती है इनकी स्माइल योजना। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो इसके अंदर ट्रांसजेंडर आते हैं, विमेन्स आती हैं, वीकर सेक्शन ओबीसी वगैरह आते हैं जिनको काम की दिक्कत है। तो आप देखा ना उनको तो 96% एक्सक्लूजन है जॉब्स में। तो उनके लिए अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए ये स्माइल योजना के तहत उनको वेलफेयर प्रोग्राम्स और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स देगी। जो लोग ये भीख भीख मांगते हैं दिल्ली दिल्ली में देखा है ना कि अरे जोड़ा अच्छा लग रहा है ऑटो ऑटो में गाड़ियों में घूमते हैं तो ये मांगते हैं ना पैसे वगैरह। दिल्ली विल्ली बड़े शहरों में आता है ना। हाँ, वंचितों को वरीयता बेहतरीन, यही तो है, रिवाइज करते रहना है मेरे साथ। जितना पॉलिटिकल और गवर्नमेंट को इंक्लूड करोगे अपनी राइटिंग में ना स्कीम्स को डिपार्टमेंट को, उतना ही स्कोरिंग रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि चेक करने वाले रोज यही काम करते हैं, मतलब इन्हीं चीजों से जुड़े हुए। इनके लिए अलग से स्किल डेवलपमेंट चला रखा है। पीएम दक्ष योजना है जिसमें प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही है और शेल्टर होम्स की चलो घर वर भी दे रहे हैं या निकेतन खोले हुए हैं जहां पर ये लोग रह सकते हैं। सो ये तो सरकार की तरफ से क्या बेनिफिट दिया जा रहा है। नाउ व्हाट आर द मेजर्स टू बी टेकन टू इंश्योर द डेवलपमेंट। इसके अलावा और क्या कर रहा चाहिए, है ना, और भी तो करना है ना। सबसे पहले तो यार कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लिट एक्सेप्टेंस दो संविधान में। संविधान के अंदर इनको अभी तो एक्ट है, अभी तो ट्रांसजेंडर का एक्ट बना है 2019 का ना, संविधान में नहीं है। सो शुड बी ट्रीटेड एज बैकवर्ड क्लास अंडर आर्टिकल 59 सेक्शन। आप इनको बैकवर्ड क्लास के दायरे में लो और तब जाकर के इनको कॉन्स्टिट्यूशनल जब इनका एक्सेप्टेंस होगा ना तो सब कुछ मिल जाएगा। पॉलिसी इंटरवेंशन एंड इंक्लूजन विद एलजीबीटी कम्युनिटी। ऐसी पॉलिसीज, जो भी पॉलिसी आप बनाओगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड में बोल सकता हूँ इसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ इनके लिए। जो भी सरकार पॉलिसी बनाती है उसमें एलजीबीटी को भी शामिल करो। इनको लेजिस्लेचर्स में, चाहे आप लोकसभा हो, राज्यसभा हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, आप इनको इंक्लूड करो। अब चाहे आप एक सीट रिजर्व करो या जो भी करते हो। सोशो इकोनॉमिक इंक्लूजन, सोशो इकोनॉमिक का मतलब समाज में उनको एक्सेप्टेंस दो, रिकग्निशन दो, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज में रिकग्निशन, तो ये एक जनरल टर्म है। रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग, आपने बोला कि हम इनको ये योजना दे रहे हैं, वो योजना दे रहे हैं, हम इनको शेल्टर होम्स दे रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स दे रहे हैं, उसका मॉनिटरिंग भी तो करो कि मिल रहा है या बीच में विधायक साहब खा जा रहे हैं। ट्रांस इंक्लूसिव वर्कशॉप्स, यानी कि ऐसे वर्कशॉप्स कंडक्ट करो सोशल लेवल पर जहां पर आदमी भी हो किसी काम में, औरतें भी हो और ट्रांसजेंडर भी हो मिल करके। जैसे होता है ना, जैसे कि यार कुछ सिलाई बुनाई का काम सरकार ने बोला कि यार वीकर सेक्शंस ऑफ वुमेन्स के लिए, लेकिन उसमें ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड कर दो तो साथ में सीखेंगे तो थोड़ी बातें होंगी, घुल मिल, एक्सेप्टेंस, समझ रहे हो मेरी बात। तो सरकार डंडा दे करके एक्सेप्टेंस कराइए, जागरूकता फैलाओ लोगों को, इनके प्रति मजाक मत उड़ाने दो, इनको भी एक्सेप्ट करने दो, बोलो कि भैया ये भी तो इंसान है, एंड ह्यूमन राइट्स भी इनको प्रोवाइड करो। तो ये सब करना है। बात तो सही है सर, ह्यूमन राइट्स, पर हमको लिखना तो पड़ेगा ही ना। अच्छे बोल, कंक्लूजन ये थोड़ा सा स्टैटिक सा कंक्लूजन है। इट इज टाइम टू ऑगमेंट अ बिहेवियरल चेंज। इट इज टाइम टू ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है लागू करना या अपनाना, ए बिहेवियरल चेंज टुवर्ड्स द थर्ड जेंडर एंड एंड ऑल गैप्स, ऑल गैप्स, कंफ्यूजन, वायलेंस अगेंस्ट देम एंड ओवरशैडो देयर एक्सक्लूजन इन सोशियो इकोनॉमिक वर्ल्ड विद एन एम टू मेक अ बेटर एंड एक्सेप्टेबल वर्ल्ड फॉर देम। अब ये कंक्लूजन जो है ये मैंने लिखा था, मतलब मैंने जब इसको टाइप किया था तो मेरे माइंड में पता क्या था, मैंने कल क्या बोला था, जो मैंने कल बोला था कि सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, उसका मैंने एक एग्जाम्पल, मॉरल या मॉडल एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है ना, मैंने कितनी बातें लिखी है कि अब समय आ गया है
इस बात को लागू करने की कि हमें अपने बर्ताव में परिवर्तन करना पड़ेगा, थर्ड जेंडर के प्रति अपने बर्ताव में परिवर्तन करना पड़ेगा, और जितने भी हमारे बीच में खाई है, जो कंफ्यूजन है जेंडर के प्रति, जो इनके ऊपर हम वॉयलेंस कर रहे हैं, इन सब को हमको क्या करना है, ओवर शैडो एंड करना है, खत्म करना है, और ओवर शैडो करना है यानी कि उभर के आना है, खत्म करना है। ये ओवर शैडो भी एंड ही हो गया या टू कम आउट। तो हम जो इनको एक्सक्लूड किया है, हमने हमको इनको सोशल इकोनॉमिक दुनिया से जो एक्सक्लूड किया है उससे बाहर आना है, और एक एम बना लें कि इनके लिए यह दुनिया इनके लिए बेहतर बनाए, और सबसे बड़ी चीज है कि इनको एक्सेप्ट करें हम अपनी दुनिया के अंदर, अपनी दुनिया में इनको अपनाएं और एक्सेप्ट करें। ठीक है, मजा आया? आया टू द पॉइंट है या नहीं है बताओ? कितनी खिचड़ी आती है, दृष्टि खोल के देखो, इतना बड़ा आर्टिकल देता है वो विजन वाले का। जब ये आर्टिकल आप पढ़ोगे ना सर, 2-3 हजार वर्ड्स में है ये सर, 3-4 हजार वर्ड, क्या फायदा हुआ हमको जब हमने बोला यार ये सोर्सेस अच्छा कंटेंट तो बना रहे हैं, बात सही है, लेकिन इसमें से भी मैं क्या फिल्टर करके छांटू भाई, वो भी दे रहे हैं वो, लेकिन स्टूडेंट वही होता है ना कि यार नहीं यार मैं तो सारे ही पढ़ करके जाता हूँ। अरे नहीं भाई, रखो उतना जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ, ये सब वहीं से निकाले हुए कंटेंट है विद फ्यू फिल्टरेशन ऑफ माई ओन। तो इस पर हो जाए बढ़िया वाला, इससे कल 5 बजे से पहले दे देना, चेक करूंगा। और जो मैंने फीडबैक दिए है ना, मानो किसी की बात को और आपको लगा कि यार इस पर मुझे दोबारा लिखने की जरूरत है, तो आप रीराइट कर सकते हो। ठीक है, जैसे वेब 3.0 ऊपर आप चाहो तो रीराइट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, है ना। अपनी गलतियों को सुधारने में जो मेहनत और करोगे तो वो और आपको एक बेहतर अप्रोच के अंदर डेवलप करता है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होगी, आई थिंक हमारी क्लास को लगभग 1 हफ्ता हो गया है, एंड द बेस्ट थिंग इज मेरे को पहली बार बहुत ही अपना मतलब एक सिस्टमैटिक क्लास लग रही है, मतलब मुझे खुद को भी बहुत टाइम बाद मतलब ऐसा सिस्टमैटिक लग रहा हूँ, और खुद भी मेहनत करता हुआ दिख रहा हूँ, और आप लोगों को ये लग रहा है कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हो। सब लोग आते हैं, इन्वॉल्व हैं सबके सब, एक आध लोगों के साथ जो भी अभी थोड़ी बहुत बेसिक दिक्कतें हैं, बट वो भी दूर हो जाएगी मुझे लगता है। बैच और मैं दोनों, और मैं अपने बेस्ट की तरफ जाऊंगा आपकी वजह से, और आप अपने बेस्ट की तरफ जाओगे मेरी वजह से, तो वी बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर, है ना। हम दोनों को एक दूसरे को अपने हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर रखना है। मैं आपको बताऊं दोनों ही एक जैसी है, विजन भी एक जैसी वही है और दृष्टि भी वही है, दोनों ही एक जैसी है। दोनों में आप लोग तो दोनों को फॉलो नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि फिर इतना कंटेंट कहां पढ़ोगे। मैं फॉलो करता हूं तो मैं और भी 3-4 सोर्सेस फॉलो करता हूं, मतलब मैं तो ऐसा देखता हूं कि जहां मुझे, मैं तो विकिपीडिया से भी उठा लेता हूं चीजों को, बुरा नहीं है वो, लेकिन उठाना आना चाहिए। तो एक कोई फॉलो कर लो, विजन भी ठीक है, दृष्टि, एनी वन दैट यू कैन फॉलो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज्यादा सही है ये गलत है, ट्रस्ट में दोनों में से जो आपको अच्छा लगता हो आप उसको फॉलो करो। हाँ एक करो बस, आप एक करो, बाकी जितना मैं करा रहा हूं वो मैं क्यूमुलेटिव तो दे ही रहा हूं। हाँ शिवम तुम्हारा वाला पेंडिंग है मेरे ऊपर, ठीक है कल हो जाएगा। नहीं कुछ इसके लिए बस एक चीज इसमें एड ऑन करना है, वो करंट में जो एग्जांपल है ना, और या कोई कोट, बस वो एक सेल्फ आपके लिए होमवर्क है, बाकी और कुछ थोड़ी करना है। एक बात बताओ, आप इतनों को ही लिख दोगे यही आपका 300 से ज्यादा शब्द जाएगा। जोशी मठ पर तो सैटरडे को होते हैं, ठीक है अभी डिजास्टर के ऊपर मैं बनाऊंगा ना, अभी तो मैं थीम भी ले रहा हूं ना साथ साथ में, किया डिजास्टर पर भी मैंने अभी लिखना है, बहुत सारे टाइप के डिजास्टर्स हैं, स्पेसिफिक डिजास्टर भी आ सकता है, फिर अभी अर्थक्वेक वाला जो है ये डिजास्टर्स भी कवर करना है, इंटरनल सिक्योरिटी भी कवर करना है, अभी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी मैं बनाऊंगा
इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी भैया, एक कम से कम आपके पेपर तक 5 टॉपिक इंटरनल्स और एक्सटर्नल, मतलब सिक्योरिटी पर बेस्ड 5 टॉपिक तो बनेंगे ही बनेंगे। डिफेंस मतलब जैसे देखो, इंटरनल सिक्योरिटी पर बनेगा टॉपिक, एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर बनेगा, ओवरऑल सिक्योरिटी पर बनेगा, या डिफेंस पर बनेगा, हमारा डिफेंस सिस्टम पर बनेगा, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बन सकता है, पर्टिकुलरली कॉमन डिफेंस पर भी बन सकते हैं, और 5 एक बन सकते हैं इस पर। तो वो मैंने रखे हुए हैं, बट मैंने अभी एकदम से मैं नहीं करा रहा हूं पर ना, थोड़ा बैकलॉग पूरा कर देते हैं। चलो फिर, सी यू टुमारो, जय हिंद। हाँ, मैं एक्चुअली वो करंट अफेयर्स के इवेंट्स को कवर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं लग रहा है कि एक दो, मैं मेरा ये था कि मैं डेली बेसिस पर एक जो दिन का जो भी हॉट टॉपिक होगा उसके ऊपर डिस्कशन लेकर के आऊँ, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ एक रिदम बनाने की, कि एटलीस्ट एक एक हॉट टॉपिक हमारा वहां भी कवर हो जाए। तो देखते हैं, मे बी शायद नेक्स्ट वीक से कुछ बनाता हूँ प्लान। तब तक जय हिंद।